ये जस्ट कंटेंट बना रहे हैं मे लिगो को फीड करने hmm. ये मार्केट है बहुत बड़ा इस वक्त ये बहुत बड़ा मार्केट है यहां पे बहुत सारे लोग है हो सकते हैं हो सकता है जो कि एक्चुअली कंटेंट को सब्सक्राइब करते हैं एंड इज नथिंग रॉन्ग विद इट आपको आपकी जिंदगी है आप जो भी देख रहे हो बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ ट्रस्ट मी ऑन दिस ये बहुत बड़ा मार्केट है एंड अलॉर्ड ऑफ पीपल जिनको तुम सुन रहे हो मे बी दे रो फक अबाउट यू दे जस्ट उनको पता है स्क्रिप्ट वाइज क्या सबसे गहरीली चूतिया बात हम कर सकते हैं जिससे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा एंड दे लिटरली फ्लाइंग फक अबाउट यू जो भी तो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बारे में बिलीव नहीं करते क्या बोल रहे हैं, भी 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 हो रहे हैं।, हैं। और ब्रेकअप के बाद क्या होता है कोई चोट खाया होता है इमोशनल होता है लॉजिकली इंसान सोच नहीं रहा होता है और काइंड kind ऑफ of इंसान गाली भी पकड़ा होता है और जायज भी है जायज कहूंगा बहुत लोगों का एक्चुअली चोट लगी होती है उनको लगता है ना इंसाफी हुई है तो उस नाइ इंसाफी को अगर कोई इंसान तुम्हारे को, को टारगेट कर ले और तुम्हारे भाग में गाली बकराओ किसी को तो तुम का तुम तुम काइंड ऑफ वहां पे इतना लॉजिकल लॉजिक से नहीं सोचोगे तुम वहां पे एक राहत से सोचोगे और वो बहुत बड़ा मार्केट है भाई बहुत ही कर मार्केट है जो भी इंसान रिजेक्ट हुआ हुआ है वो आता है उस मार्केट में कोई भी इंसान जो सिंगल है और नेसेसरली खींच खाए हुए हैं वो आ जाते हैं मर्दों की ये है बस आप एक सैड अफेयर के साथ आप कैपिटलाइज कर रहे हो इट्स सैड इंस्टेड ऑफ you know, उनको एम्पावर करने का नॉट बिकॉज ऑफ वुमेन एम्पावर करने का एक इंडिविजुअली स्पिरिचुअली विच शुड लाइक जो तुम्हारे सारे महात्मा समझदार सारे फिलोसफर हर कोई समझदार इंसान तुम ये कहेगा तुम स्परिचुअली नाइटेन हो तुम खतरनाक इंसान बनो लेकिन स्परिचुअली होलिस्टिकली नॉट बिकॉज कन्फ्यूश से लेके मिया मत मुसाशी से लेकर स्टोईसिज्म से लेके सारी फिलासफी आज के यूज करते हैं लोग इन्हीं मुंह पर थूक देते हैं क्योंकि फिलोसफी सबसे पहला इनका तर्क वर्क होता है कि कभी जिंदगी को ब्लेम मत करना कंप्लेन मत करो कंप्लेन मत करो और ये सारी, सारे सारे कंप्लेनिंग से स्टार्ट होते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तुम तुमने थूक दिया शुरुआत में ही थूक दिया जिन फिलॉसफी को ये नाम ले रहे हैं कि हम तुम्हें स्टोइसिज्म सिखा रहे हैं स्टोइसिज्म तुमने उसके एक पहले कदम पे रख के ही मुद्दियोस पे मुपे

मे भी अगर मैं अपने आप करता हूँ तो मैं ये नहीं इजिली एक्सेप्ट करना चाहता हूँ मेरी में कमी है या फिर मेरे को अपना स्पिरिचुअली एनलाइटन करना है या फिर वो लड़की ठीक है वो भी एक इंसान है मैं भी इंसान हूँ और जितना उसका दर्जा है उतना मेरा दर्जा है वो अपने पथ में निकले मैं अपने पथ पर हूँ ये बोलना बहुत समझदारी वाली बात हो जाती है ना जो ये पथ पर चल रहा है जो कह रहा है कि यू नो लाइक आई हैव नो एनिमीज उसमें भी दो सीजन लगे ना उसको उसमें भी उसने कम से कम दो सौ से तीन सौ लोगों का कथलेआम किया ना थॉर्फिन ने तब आके समझ में आई ना उसको सब कुछ कर कर आके तो वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि वहां तक इंसान पूछे कि ये सब पकवास है मुझे नहीं पता उस इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है वो कौन है कुछ हो भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं अपने एक अलग पद पर चल रहा हूँ मैं कौन हूँ ये मुझे पहचानना है मुझे अपने आप को सुंदर बनाना है ताकतवर बनाना है और चाहे मैं औरत हूँ चाहे आदमी हूँ ये दोनों पर अप्लाई करता है ये आदमी की बात ही नहीं है इंडिविजुअल की बात है ये मेल हो या वीक मेल हो आप मिसोजनिस्ट हो या जोरू के गुलाम हो आप टॉक्सिक लड़के हो या बहुत ही प्यारे अच्छे लवेबल लड़के हो अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसके बाद भी वैसे ही रहो जैसे पहले थे जैसा खुद को पहले दिखाया था एटलीस्ट अपनी ड्यूटी मत भूलो यही एक आदमी होने की पहचान है फिर तुम्हारी तरफ से कोई गोल्ड डिगर हो कोई डिसलोयल हो कोई कुछ भी और जो थी वो पहले क्यों नहीं दिखी